चैप्टर हम लोगों के पास क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, पहली चीज जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है, मॉलिक्यूलर तो खैर है ही है, यहाँ पे जिससे मैंने आपको चैप्टर 5 स्टार्ट किया था, याद आ रहा होगा, है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और ये क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, फटाफट हम लोग इनहेरिटेंस से स्टार्ट करते हैं। इनहेरिटेंस, अब ये देखा जाएगा कि जो पैटर्न फॉलो हो रहा था एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, जो फीचर्स कैरेक्टर्स वगैरह सब ट्रांसफर हो रहे थे, आखिर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है। कोई तो ऐसा मॉलिक्यूलर लेवल पे कोई ऐसी चीज होगी, मतलब सेलुलर लेवल के भी अंदर जा रहे हैं हम, समझ रहे हैं आप। ठीक है, बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो इनहेरिटेंस में भी हम लोग ये देखते हैं कि इसमें एक्चुअली जो हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ जीन्स और कैरेक्टर्स और ट्रेट्स, क्या होता है ये, ट्रांसफर ऑफ जीन्स और कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जीन्स और कैरेक्टर्स और ट्रेट्स, एक ही बात है, इसका मतलब भी फीचर ही होता है, फ्रॉम वन जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, अब देखिए मतलब क्या है, अगर हम एक सीधी सी बात करें, क्या मतलब है इसका, लिखना तो दूसरी बात है, हम लिख रहे हैं, ठीक है, हम कुछ भी लिख रहे हैं लिखने का, बट यहाँ पे चीज क्या है कि हम क्या समझते हैं इसका मतलब। इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि अगर ये पेरेंटल जनरेशन है, मतलब ये मेल है, ये फीमेल है, 1000 टाइम्स तब से मैं बना चुकी हूँ इसको, आपके दिमाग में भी ये प्रिंट हो गया होगा कि मैं इसी तरीके से बहुत सारे केसेस को समझाती हूँ। ठीक है, अब ऑब्वियस है मेल है तो ये भी गेमेट बनाएगा, ठीक है, फीमेल है तो यहाँ से भी गेमेट फॉर्म होगा। ठीक है, प्लॉयडी क्या होगी, यहाँ पे हैप्लॉयड है, हैप्लॉयड है, फिर इनको क्या बनाना है, जायगोट बनाना है, क्या बनाना है, जायगोट बनाना है, एंड द प्लॉयडी ऑफ जायगोट इज डिप्लॉयड। ये तो ऊपर की बात हुई ना, मतलब आप किसी पर्सन को देख रहे हैं ऊपर से मॉर्फोलॉजिकली, तो आपको पता चलता है कैसा दिख रहा है, क्या फीचर है, क्या एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर ये पता करना हो कि उसमें जीन्स और ट्रेट्स और कैरेक्टर उसके पेरेंटल जनरेशन से, अगर मैं ये बोलूं कि इसके पेरेंटल जनरेशन से इसमें कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसको जब मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, तब जाके ये चैप्टर बनेगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इसको भी अगर हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी न्यू रखने का काम कौन कर रहे हैं, मेंडल साहब कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब पहली चीज, अगर आपसे ये भी क्वेश्चन है नीट का, हु यूज द टर्म फैक्टर फॉर जीन्स, ठीक है, फैक्टर टर्म का यूज जीन्स के लिए किन्होंने किया था, मेंडल साहब ने किया था, इन्होंने किया था। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पे बहुत ज्यादा जो इनका कॉन्सेप्ट था वो क्लियर नहीं था। ठीक है, इनको पता था कि कोई ऐसी चीज है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रेट्स को, फीचर्स को, कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने का काम कर रही है। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा फेमस नहीं था उस टाइम में, पता नहीं था लोगों को, इतने डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है जो इतने डिटेल फॉर्म में ट्रांसफर करने का काम करता है फीचर्स को, कैरेक्टर्स को। ठीक है, अब यहाँ पे साफ साफ आपको एक बात बताई जा रही है, इस पूरे नेचर में डीएनए और आरएनए, इस पूरे नेचर में डीएनए और आरएनए, ये दो ही क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं,
थोड़ा सा 11th क्लास यहाँ पे आ रहा है, आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की उसका इंट्रोडक्शन भी साफ सीधी सी यही बात बोल रहा है कि अगर आपको ये चैप्टर सीखना है तो 11th क्लास का जो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया था उसको क्या करना होता है, दिमाग में रखना होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो जिक्र किया जा रहा है न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। इसके बारे में बिल्कुल मेरे साथ साथ नोट करते जाएं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो समझ नहीं आएगी, हो ही नहीं सकता ऐसा। न्यूक्लिक एसिड्स देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड्स देख रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स जो है हम लोगों के पास वो दो ही हैं इस पूरे बायोस्फीयर में। ठीक है, एक है हम लोगों के पास डीएनए और दूसरा है हम लोगों के पास आरएनए, पता है आपको। ठीक है, देन डीएनए जो है दैट इज डीऑक्सी, डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड भी बोल सकते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड भी बोल सकते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, देन दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है इनके रिगार्डिंग, अगर डीएनए को आप देखना स्टार्ट करते हैं, डीएनए क्या है, डीएनए इज द, डीएनए इज द, डीएनए इज द मोस्ट एबंडेंट, डीएनए इज द मोस्ट एबंडेंट जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल इन नेचर, या बायोस्फीयर जो लिखना लिखिए, यानी कि इस नेचर में पाया जाने सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, डीएनए और आरएनए में। अगर कोई आपसे पूछता है डीएनए, डीएनए क्या है, मोस्ट एबंडेंट है। ठीक है, आरएनए क्या है, फिर ये भी क्वेश्चन अराइज होता है ना। इसको जब भी देखा गया है तो प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज जेनेटिक मटेरियल, प्रेजेंट एज जेनेटिक मटेरियल ओनली इन सम वायरसेस, याद आ गया होगा आपको, प्रेजेंट एज जेनेटिक मटेरियल ओनली इन सम, ओनली इन सम वायरसेस। ठीक है, अब ऐसे वायरस जिसमें जेनेटिक मटेरियल के तौर पे आरएनए पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो वायरस है ऐसे वायरस को क्या बोलते हैं हम लोग, रेट्रो वायरसेस। एक और टर्म सीखा आपने, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, रेट्रो वायरसेस। ठीक है, रेट्रो वायरस का मतलब ऐसा वायरस जो कि जेनेटिक मटेरियल के तौर पे आरएनए को कैरी करने का काम करता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि मुझे ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी यहाँ पे, है ना। अक्सर आगे भी जाके आपको ये टॉपिक इसमें कौन सा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है ये परेशान करेगा थोड़ा सा, मैं आपको क्लास 11th यहाँ पे याद दिला देती हूँ। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है तो मैं इस पेज को नोट डाल देती हूँ यहाँ पे, ऐसे मैंने नोट लिख दिया, मतलब एडिशनल है आपका सीखा हुआ है, बस मैं आपको रिकॉल करा दी। ठीक है, क्या सीखा था आपने, आपने देखा था वायरस जो है इस नेचर में दो तरह के पाए जाते हैं, एक के पास क्या होता है डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल के तौर पे क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए होता है इनके पास। ठीक है, दूसरे के पास क्या होता है, आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। अगर मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th का मतलब चैप्टर 2 जो था वो अगर मैं याद दिलाऊं तो वहां पे ना इसके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया है लास्ट पेज में। ठीक है, इस
पूरे बायोस्फीयर में आज तक ऐसा कोई वायरस नहीं पाया गया जिसके पास दोनों जेनेटिक मटेरियल हो, दोनों में से कोई एक हो सकता है, या डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, दोनों कभी भी जेनेटिक मटेरियल वहां पर प्रेजेंट नहीं हो सकते। ठीक है, ये डीएनए हो गया और ये आरएनए हो गया। डीएनए जिस वायरस में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऐसे वायरसेस पाए गए हैं अभी तक, मोस्टली मोस्टली अफेक्ट्स और हार्म्स मोस्टली अफेक्ट्स प्लांट्स। ये ज्यादातर प्लांट्स को हार्म करते हैं। किसको हार्म करते हैं? ये प्लांट्स को हार्म करते हैं। आरएनए जिसमें पाया जाता है वो क्या है? मोस्टली अफेक्ट्स एनिमल्स। जैसे कोरोना वायरस है, क्या है उसमें? आरएनए है, H1N1 है। मतलब जो जो एनिमल को ह्यूमन को अफेक्ट करता हुआ पकड़ा गया है, जिस भी वायरस को देखिए, एड्स कॉज करने वाला HIV है, क्या है उसके पास? आरएनए है। देखिए यहाँ से ट्रिक निकल गई ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए मैं यहाँ पे मोस्टली अफेक्ट एनिमल्स, ठीक है, तो ये मैंने याद दिला दिया। तो इसका मतलब है कि आरएनए अगर जेनेटिक मटेरियल के तौर पे ये कैरी करेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? रेट्रोवायरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका नाम? रेट्रोवायरस। तो एक नोट पेज था जो कि मैंने आपको यहाँ पे इस पेज पे समझाया है, ठीक है। अब देखिए, तो यही बात आपको यहाँ पे इस इंट्रोडक्शन के पेज पे बोली जा रही थी, ठीक है। लिविंग सिस्टम में डीएनए और आरएनए यही दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, तीसरा टाइप नहीं होता है, ठीक है। अब डीएनए जो है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सो मैंने इसके लिए इन शॉर्ट आपको मार्क कर दिया, मैंने लिखा मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल, कहानी खत्म, है ना। मतलब सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है दोनों में से? तो डीएनए पाया जाता है। कौन पाया जाता है सबसे ज्यादा? डीएनए पाया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है? आरएनए एक्ट करेगा जेनेटिक मटेरियल की तरह, बट सिर्फ कुछ वायरसेस में, जिसको हम लोग रेट्रोवायरस बोलते हैं, ठीक है। आरएनए का भी बहुत इंपॉर्टेंट एडिशनल रोल होता है, जो आगे जाके इस चैप्टर में ही हम लोगों को सीखना है। आरएनए की टाइप क्या है, आरएनए करता क्या है, आरएनए का फंक्शन क्या है, है ना। क्लास 11th की याद यहाँ पे आपको एनसीईआरटी दिला रही है, जहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कि आपने न्यूक्लियोटाइड्स का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत डिटेल में देखा था, वहां पे आपने सीखा था, और आपको ये बात पता चली थी वहां पे कि न्यूक्लियोटाइड्स आर द मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। अब ये मुझे समझाना पड़ेगा, है ना। 11th क्लास से अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो मैं तो फिर करा ही रही हूँ अभी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे समझें कि मैंने यहाँ पे ना एक बीट बना दिया, ये एक मोती जो होता है ना वो बना दिया, ठीक है। अगर हम ऐसा समझें कि ये क्या है, वन न्यूक्लियोटाइड है, अगर हम क्या समझें, ये क्या है, वन न्यूक्लियोटाइड है, वन न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। तो अगर हम इस न्यूक्लियोटाइड को उठा के अगर हम इसका चेन बना दें, क्या बना दें? चेन बना दें। मैंने क्या किया, इसका पकड़ के चेन बना दिया, ठीक है। कॉमन सेंस लगाना है अपना। जब मैं इसका चेन बना रही हूं तो ऑब्वियस है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। अब इसका नाम क्या हो गया? अब इसका नाम हो गया पॉली न्यूक्लियोटाइड, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। क्लियर है? इसका नाम क्या हो गया? पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन हो गया, ठीक है। और ये पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, जो केमिकली हम पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बोल रहे हैं, एक्चुअली क्या है ये? पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन ही क्या है? अब इसी में अगर दो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन हुआ तो क्या हो जाएगा? डीएनए हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मतलब न्यूक्लिक एसिड। अब इसी में अगर आपको और अच्छे से समझना, अगर हम ऐसा कर दें तो, समझाने के लिए बता रही हूं आपको, अगर हम ऐसा करते हैं कि वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो, क्या हो? वन, मैंने ऐसे करा, ये क्या है? वन, समझाने के लिए बना रही हूं अभी, है ना। अभी तो बेसिक मैंने पहले बोला, मैंने आपको जीरो से स्टार्ट करना है,
बिल्कुल टॉप लेवल तक लेके जाना है, जीरो से ही स्टार्ट करके मैं समझा रही हूँ। चलिए, क्या बना दिया मैंने, ये मैंने बना दिया वन पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, कोई दिक्कत नहीं, वन पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, फिर अगर ये जो चेन है ये अगर कैसा हो जाए, दो हो जाए, कैसा हो जाए, अगर ये दो हो जाए, मतलब अगर हम लोग टू पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बना लें, क्या बना लें, अगर हम लोग टू पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बना लें तो ये क्या हो जाएगा। यहाँ बीट्स बनाया है, यहाँ भी समझाने के लिए बना देती हूँ, है ना, बोलेंगे यहाँ तो थ्रेड जैसा बना दिया। मैं तो यही सोच के करा रही हूँ, मैं सोच रही नहीं, बच्चे को बिल्कुल जीरो से मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो एक एक चीज समझ आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये टू बना दिया, ये देखिए आपके लिए, ठीक है, दूसरे को भी बना देते हैं, क्या जाता है बनाने में। चलिए नेक्स्ट जो है यहाँ पे सेकंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इसके पास क्या हो गया, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गया, इसके पास क्या हो गया, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गया, इसके पास हो गया यहाँ पे टू पॉली, टू पॉली न्यूक्लियोटाइड, टू पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, टू पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। तो वन पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है, इसका मतलब ये क्या है, आरएनए है, ये क्या है, ये इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ मैं, ना नीचे स्पेस नहीं दिख रहा था मुझे, अब सही हो गया। अगर ये वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, दैट मीन्स इट्स आरएनए, क्या है, ये आरएनए है। अगर यहाँ पे टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है तो ये क्या है, डीएनए है, क्या है, ये डीएनए, डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड, डीएनए कंटेन्स टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, आरएनए कंटेन ओनली वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, टू है तो यहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ, चेंज हो जाएगा, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है, ये पेज भी हो ही गया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए नेक्स्ट, अभी अभी क्या समझाया मैंने आपको, जो समझाया बस वही लिखा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। अब उसका जो न्यूक्लियोटाइड होगा डीएनए का, उसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड तो है, ऐड क्या कर देते हैं उसमें, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, अगर आरएनए का होगा तो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, आपको कंफ्यूज नहीं करना, मैं ये बोल रही हूँ, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन आरएनए का, ऐसे कर देते हैं, या इसका मतलब है कि यहाँ पे ये हो गया राइबो न्यूक्लियोटाइड चेन, राइबो न्यूक्लियोटाइड चेन, है ना, क्या हो गया ये, राइबो न्यूक्लियोटाइड चेन, यहाँ पे क्या हो गया, ये वही हो गया डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड चेन, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड चेन हो गया, बस किसी चीज को मेंशन किया जा रहा है वहां पे। चलिए आगे देखिए, तो ये क्या है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड से मिलके कौन बना है, डीएनए बना है, ठीक है, ये तो कॉमन सेंस है ना। अगर आपको एक डीएनए बनाना है, मैंने मतलब डीएनए का एक स्ट्रैंड ले रही हूँ, ठीक है, मान चलिए दो ही बना दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे, इतना तो मैं बनाती रह जाऊंगी, ऐसे रफ में करती हूँ समझाने के लिए, है ना, वीडी जोड़ती रह जाऊंगी इसमें, ठीक है, यहाँ भी क्या है न्यूक्लियोटाइड, एक कॉमन सेंस आपको ये लगाना है, यहाँ पे मैंने लेंथ जो है वो इतनी, अब सीधा करेंगे और स्ट्रेच करेंगे और ज्यादा लेंथ होगा इसका, है ना। तो ये जो मैंने यहाँ पे बनाया, अगर मैं यहाँ पे ना न्यूक्लियोटाइड का नंबर कम कर दूँ, मतलब मैं इतना ही कर दूँ और यहाँ पे मैं इतना ही कर दूँ, तो ये तो बात मानी हुई है ना,
द लेंथ ऑफ डीएनए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। मेरी बात समझ आई? मतलब जितना ज्यादा न्यूक्लियो इसमें ज्यादा न्यूक्लियोटाइड है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ केस ए एंड केस पी और आपसे पूछूँ कि आपको बताना है किसमें न्यूक्लियोटाइड का नंबर ज्यादा है, आप बोलेंगे ये कैसा क्वेश्चन है, ये इसमें तो दम ही नहीं। तो यहाँ पे किसके पास ज्यादा है न्यूक्लियोटाइड? ज्यादा है ए वाले केस में। कम किसके पास है? बी वाले केस में, है ना? ऑब्वियस है। एक इससे कंक्लूजन क्या निकाला हम लोगों ने, लिख लेते हैं आगे। हमने इससे ये कंक्लूजन निकाला है कि करते हैं, हम लोग लिख लेते हैं इसको पहले। तो इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द लेंथ ऑफ डीएनए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स न्यूक्लियोटाइड्स नंबर ऑफ इट्स न्यूक्लियोटाइड्स इसके न्यूक्लियोटाइड्स के नंबर पे डिपेंड करता है कि डीएनए की लेंथ जो है कितनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात लिखी जा रही है, बार बार हर जगह आपको देखने को मिलेगा बेस पेयर बेस पेयर बेस पेयर बेस पेयर बेस पेयर हर जगह हमेशा। ठीक है, बहुत ध्यान से आपको समझना है कि मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ। ठीक है, मैं समझाती हूँ। एक हम लोग दूसरा पेज लेते हैं, उससे हम लोग कोशिश करते हैं समझने की, आपको बहुत इजीली समझ आए, है ना? चलो बताती हूँ आपको, इसको जूम करके मैं आपको शो करती हूँ क्या बोलना चाह रही हूँ। बहुत ध्यान से समझना है, जितना अटेंशन आप दे सकते हैं दीजिए, आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए, क्या है ये? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। क्या है ये? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। बहुत अच्छे से समझना है। इसके ऊपर अगर मैं बोलूँ ना कि ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा बोलना। बिल्कुल सही है कि सही में इसके ऊपर, इस स्ट्रक्चर के ऊपर पूरा कंप्लीट ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है, ये चैप्टर 2000% डिपेंड करता है। बहुत अच्छे समझना है इसको। चलिए देखिए, अब ये क्या है? अगर हम नाइट्रोजिनस बेसिस की बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, मेरे पास स्पेस है यहाँ नीचे अवेलेबल, नाइट्रोजिनस बेसिस इन डीएनए, तो मैं क्या लिख दू यहाँ पे? नाइट्रोजिनस बेसिस, नाइट्रोजिनस बेसिस इन डीएनए। डीएनए में हम लोग क्या देख रहे हैं? नाइट्रोजिनस बेसिस देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग? नाइट्रोजिनस बेसिस देख रहे हैं। ठीक है, एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन। मैंने क्या लिखा है? डीएनए लिखा है, मैंने आरएनए नहीं लिखा है। मैंने क्या लिखा है? डीएनए लिखा है। मैं क्यों इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे टी लिखा है। अब एक बच्चे ने एक ईयर मेरे से क्वेश्चन पूछा था, मैं बताती हूँ, ये है एनसीईआरटी का फिगर 6.1। उस बच्चे का क्वेश्चन भी सही था अपनी जगह पे, उससे मुझे ये भी बात समझ आई कि इसके ब्रेन के किस कोने में कहाँ पे कौन सा डाउट छुपा हुआ है। उसने पूछा मेरे से क्वेश्चन क्या, अगर मैं इसकी थिकनेस इतनी कर दूं, उसने मेरे से पूछा कि यहाँ पे एक चेन बना हुआ है, यहाँ पे क्या है? उसने पूछा मैम देयर इज ओनली वन चेन हियर,
यहाँ पे एक ही चेन अवेलेबल है, तो आप ये कैसे बोल रही हैं कि ये डीएनए का चेन है, आरएनए का क्यों नहीं बोला आपने? क्योंकि शुरू में तो मैंने बच्चे को यही पढ़ाया ना, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड एंड डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, तो मैंने इसलिए बोला इसको कि ये डीएनए का है, बिकॉज डीएनए में जो नाइट्रोजिनस बेस है वो क्या होगा, थायमीन होगा, बाकी तीनों एडेनिन डीएनए में भी होगा आरएनए में भी होगा, गुआनिन डीएनए आरएनए दोनों में कॉमन होगा, साइटोसिन भी दोनों में पाया जाएगा, सिर्फ थायमिन जो है, थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय, थायमिन को यहाँ पे रिप्लेस करने का काम कौन करेगा, थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल ओनली इन केस ऑफ आरएनए, सिर्फ आरएनए के केस में ये क्या होगा, रिप्लेस किया जाएगा, आरएनए के केस में क्या है, इसको रिप्लेस किया जाएगा, है ना। चलिए तो ये आपको समझ आया होगा, हालांकि मैं पहले नाइट्रोजनस बेसिस का नाम लिख दूँ, 11th क्लास भी धीरे धीरे मैं रिवाइज करा रही हूँ साथ के साथ, आपको याद होगा तो अच्छी बात, नहीं याद है तो अभी याद हो जाएगा आपको, है ना। कैसे हम लोग इसको, पहले तो लिख देती हूँ नाम जो यहाँ पे चार हैं, ठीक है, मैंने डीएनए लिखा है तो मैं यूरासिल नहीं लिखूंगी अभी, जब आरएनए का लिखूंगी तो मैं वहाँ पे मेंशन कर दूंगी, तो यहाँ पे आप ही ये जो फोर है इनका नाम आप मेंशन कर दीजिए, 3 and 4, ठीक है, चार है ये, हम लोग नेम मेंशन कर लेते हैं, एडिनिन, ठीक है, देन गुआनिन, ठीक है, देन साइटोसिन, देन हम लोग के पास क्या है, साइटोसिन एंड देन थायमिन, देन थायमिन, ठीक है, एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थायमिन है, ठीक है, सबका अपना अपना स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ए लिख के ये जो छोड़ा जा रहा है, ऐसा थोड़ी है कि आप ये ए बना के और आपने एक बॉक्स बना दिया, आप जिंदगी भर से काम चलाएंगे, कभी नहीं, नेवर। आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक में भी चैप्टर है बायो मॉलिक्यूल्स, उसमें भी आपको डिटेल में इन सबके स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ने हैं, वो देखा होगा आपने, है ना। तो एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, अब ये क्या है, नाइट्रोजिनस बेसिस, क्या है ये, नाइट्रोजिनस बेसिस है। यहाँ पे तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक ही आपको शो किया जा रहा है, दूसरा आपको नहीं दिखाया जा रहा है, दूसरा भी आगे है आगे जाके। जब कभी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक चेन को दूसरे चेन के साथ जोड़ा जाता है, तो नाइट्रोजिनस बेस जो है यही बेस के साथ कनेक्ट होता है, नाइट्रोजिनस बेस जो है यही बेस के साथ कनेक्ट करने का काम करता है, जिसकी वजह से स्टेटमेंट या फिर टर्म हम बोल सकते हैं, बार बार हम लोग क्या यूज करते हैं, बेस पेयर, बेस पेयर, बेस पेयर, बेस पेयर, हमेशा, जिसकी वजह से मुझे डायग्राम समझाने की जरूरत पड़ी आपको, वो क्या लिखा था वहां पे, बेस पेयर, मैंने सोचा बेस पेयर तो आपको अगर याद है तो अच्छी बात, नहीं समझा तो समझाना तो जरूरी है। बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे बेस पेयर का नंबर निकालेंगे, बेस पेयर के बीच में गैप कितना होता है उसको सीखेंगे, तो पहले कॉन्सेप्ट तो हो, इसकी पोजीशनिंग तो दिमाग में, उसके बाद हम लोग समझेंगे, ठीक। तो हमने ये चार नाइट्रोजिनस बेसिस जो है वो डीएनए के केस में देख लिया, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब क्वेश्चन ये अराइज होगा कि नाइट्रोजिनस बेस कोई सा भी हो, आखिर ये जुड़ा किससे है, यानी ये जो आपको एक दिख रहा है कि ये जो बॉन्ड है, व्हाट इज दिस, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये क्योंकि डीएनए का है, क्योंकि किसका है, डीएनए का है, ये डिऑक्सी राइबोज शुगर है, डीएनए में डिऑक्सी राइबोज शुगर होता है और आरएनए में राइबोज शुगर होता है, ठीक है, ये क्या है, डिऑक्सी राइबोज शुगर है, और ये क्या है, इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। तो बिल्कुल गांठ बांध के आपको दिमाग में इस चीज को प्रिंट कर लेना है अभी के अभी, कि अगर हम ऐसा लिखें कि, बाद में रब कर दूंगी मैं इसको, पहले तो उसके ऊपर जो बेस है मैं लिख देती हूँ, है ना, अगर मैं लिखूं ऐसा, बेसिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ, बेसिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ, बेसिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ, कॉम्पोनेंट्स ऑफ
वन न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए। अगर मुझे ये बताना है कि डीएनए के वन न्यूक्लियोटाइड के बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से, याद है मैंने एक बीड बना के दिखाया था आपको, मैंने बोला मान लीजिए सपोज कीजिए ये एक मोती है, ठीक है, तो हमें उसके ये देखना है वो भी किससे मिलके बना हुआ है। वहाँ हम लोग उस लेवल तक जा रहे हैं। चैप्टर का नाम ही है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जितना अंदर 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 जाके आप पोस्टमार्टम कर सकते हैं उतना आपको इस चैप्टर में पढ़ना है ना, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। इसके तीन ही बेसिक कॉम्पोनेंट हैं, ठीक है, वन टू एंड थ्री। पहला है नाइट्रोजिनस बेसिस। पहला क्या है, नाइट्रोजिनस बेसिस, जो मैंने अभी अभी आपको लिखा है प्रीवियस पेज पे, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन। व्हाई थायमिन? बिकॉज यहां मैंने डीएनए मेंशन किया है। सेकंड हो जाएगा बिकॉज इट्स डीएनए, दैट इज डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। देन थर्ड हो जाएगा यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। ये क्या हो गया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हो गया, ठीक है। ऐसे आईपी करके इसको डिनोट करते हैं। ये तीन बेसिक कंपोनेंट हैं। बच्चों को मैं बोलती हूँ इसको याद करने के ट्रिक के तौर पे, मैं कहती हूँ बीएसपी याद कर लीजिए, एक यूपी की पार्टी है ना बहुजन समाजवादी पार्टी, बीएसपी बेस शुगर फॉस्फेट, कभी जिंदगी में दिमाग से नहीं निकलेगा। मेरे टीचर ने मुझे ऐसे ही बताया था, मुझे आज तक याद है, मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, आपको भी जिंदगी भर याद रहेगा। बीएसपी याद कर लीजिए, हमेशा के लिए याद रहेगा आपको, ठीक है। बेस शुगर फॉस्फेट, बेस है तो नाइट्रोजनस लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शुगर याद रहेगा तो डी है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर, आर है आरएनए में तो राइबोज शुगर, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक डीएनए को देख रहे हैं तो उसके बेसिक कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से होंगे, ठीक है। अब अगर मुझे ऐसा लिखना हो कि बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ आरएनए, क्या लिखना हो अगर मुझे ऐसा मेंशन करना हो यहाँ पे कि देखिए, अगर मैं लिखना चाहती हूँ ये जो डीएनए है ना, यहाँ पे मैंने डीएनए को मैं जानबूझ के उसको यहाँ पे उठा के लाई हूँ, मैंने पेस्ट करा, मैं दोबारा लिख सकती थी। हर बैच में मैं बच्चों को यही बोलती हूँ, मैं यहाँ पे रब इसलिए कर रही हूँ आपको समझ आए कि फर्क क्या है दोनों के बीच में, ठीक है। तो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड ऑफ, मैंने डीएनए को यहाँ से रब कर दिया और मैंने डीएनए की बजाय यहाँ पे आरएनए लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। देन अब यहाँ पे मैंने लिखा है डीऑक्सी राइबोज शुगर, तो एक्चुअल में क्या है, यहाँ से ये जो डीऑक्सी है इसको हटा देना है, यानी ये राइबोज शुगर जो है बस सही हो गया। तो मैं इसको थोड़ा मिड में करके लिख देती हूँ, मैं आप समझा रही हूँ आपको, वैसे समझ आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज राइबोज शुगर, क्या हो जाएगा, राइबोज शुगर, ठीक है। ये हो गया आपके पास नाइट्रोजिनस बेसिस, क्या हो गया ये, नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजिनस बेसिस डीएनए का जब मैंने लिखा था तो मैंने वहां पे क्या लिखा था आपको कि एडेनिन साइटोसिन थायमिन गुआनिन, एटीजीसी शॉर्ट में बोलते हम लोग, है ना। लेकिन जब इसकी बात आएगी यहाँ पे, जब हम लोगों को लिखना पड़ेगा तो हम कैसे लिखेंगे,
अगर नाइट्रोजनस बेसिस आरएनए पे चले आए, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आया है, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 4, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो इसके जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो हो गए आपके, एडेनिन उसके पास भी था, यहाँ भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने लिख दिया यहाँ पे एडेनिन, ठीक है। गुआनिन वहां भी था, यहाँ भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने लिख दिया यहाँ पे गुआनिन। साइटोसिन वहां भी था, यहाँ भी होगा, मैंने लिख दिया साइटोसिन, ठीक है। थायमिन था वहां पे, थायमिन को रिप्लेस करके अब यहाँ पे यूरेसिल आ जाएगा, यही याद रखना है हमेशा। थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल इन केस ऑफ आरएनए। आरएनए अगर आपको लिखना है तो वहां पे रिप्लेस करके कौन आ जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कॉपी कर लिया होगा आपने। तो आरएनए और डीएनए के जब बेसिक कॉम्पोनेंट्स को हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो इस तरीके से ये दोनों डिफर करता है। अभी तक डीएनए आरएनए मैंने जितना सिखाया है आपको उसके बेसिस पे कुछ बेसिक, हालांकि अगर मैं बोलूँ ऐसा ना कि डीएनए आरएनए के बीच में आप जितने चाहे डिफरेंसेस लिख सकते हैं तो गलत नहीं है, बट इतना कॉन्सेप्ट देने के बाद जितने डिफरेंसेस यहाँ बन सकते हैं वो देखिए हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट पेज पे, है ना। चलिए डिफरेंसेस लिख लेते हैं, डीएनए और आरएनए। तो ये टेबल किस चीज का हो गया, डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, है ना। लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलिए लिखना आपको लिख सकते हैं, यहाँ मेंशन कर देती हूँ मैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं होती। डिफरेंसेस डिफरेंसेस बिटवीन differences between DNA and RNA, differences between DNA and RNA, ठीक है। हम लोगों के पास लेफ्ट में DNA है तो हम यहाँ पे DNA ही मेंशन करेंगे, इधर हम लोगों ने लिख दिया DNA। और यहाँ जो अभी तक आपने सीखा है देखिए कैसे डिफरेंस बनता है, कोई ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कुछ मैंने नया या फिर कुछ स्पेशल बता दिया आपको, नहीं। डीएनए आरएनए में हम पहला डिफरेंस जो है उसको लिखने जा रहे हैं। पहला डिफरेंस DNA is the most abundant. DNA क्या है? ये हो गया. First is the most abundant. First the most abundant. Most abundant. जेनेटिक मटेरियल, मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल, पता है आपको, आपने सीख रखा है ऑलरेडी इसको, मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल इन नेचर। जो मैंने आपको बताया था उस पॉइंट को मैंने यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हो चिपका दिया, पेस्ट कर दिया उठाकर, शुरू में जो बताया था मैंने आपको, ठीक है। इसको अपोजिट पॉइंट लिख लीजिए, यहाँ पे आप खुद से लिख सकते हैं इसको। Present only in some viruses. ऐसे तो सही नहीं होगा, present as genetic material, ठीक हो गया, as genetic material only
इन सम वायरसेस। ये सिर्फ कुछ वायरसेस में ही पाया जाता है, और इनका नाम क्या हो जाता है, विदिन ब्रैकेट लिख लीजिए, रेट्रो वायरसेस। अब शुगर का डिफरेंस लिख लेते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस किसका है, शुगर का लिख लेते हैं। इसके पास डिऑक्सी राइबोज शुगर इज प्रेजेंट, डिऑक्सी राइबोज शुगर इज प्रेजेंट। दूसरा है राइबोज शुगर, राइबोज शुगर इज प्रेजेंट। आरएनए में क्या हो जाएगा, राइबोज शुगर प्रेजेंट हो, राइबोज शुगर इज प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए, हालांकि अभी जो मैं लिखने जा रही हूँ इसको फर्स्ट पॉइंट लिखना चाहिए था मुझे। डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड एंड आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड, है ना, बेसिक का बच्चों वाला डिफरेंस है, बट है तो है, क्यों नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट लिख लीजिए, फर्स्ट होना चाहिए था इसको, बट कोई दिक्कत नहीं है। डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड। डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए जो होता है वो कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड। यहाँ पे मैंने लिख दिया आरएनए इज सिंगल, आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड। कैसा है ये, सिंगल स्टैंडर्ड, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक, इजी इजी से जो अभी तक आपने सीखा बस मैं उसी से डिफरेंसेस निकाल, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, जैसे ही पूरा चैप्टर ओवर हो जाएगा और 10 निकाल सकते हैं, बट अभी मैं उस लेवल तक, हाई लेवल तक लेके जाऊंगी, आपको समझ नहीं आएगा। तो जो बिल्कुल जीरो लेवल का है मैं वो बता रही हूँ, इसमें से एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आप बोले कि हमें समझ नहीं आ रहा या फिर समझने में दिक्कत आ रही है, बिल्कुल नहीं, है ना। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं बच्चों को बोलती हूँ, आप अगर पहले लिख रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस आर, नाइट्रोजिनस बेसिस आर, चारों का नाम लिख दीजिए, और थाइमिन के सामने हम लोग मेंशन कर देते हैं प्रेजेंट ओनली इन डीएनए, और वहां पे यूरासिल में लिख देंगे थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल, तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लिखने, ये हो जाएगा 1 2 3, इधर हो गया 4, नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पे हो गया। बताइए आपको अभी तो रट गया होगा, इतनी बार मैं लिख रही हूँ बोल रही हूँ अभी तक आपको याद हो गया होगा, एडेनिन, देन हो गया यहाँ पे गुआनिन, फिर क्या हो गया साइटोसिन, फिर क्या हो गया साइटोसिन। यहां तक तो स्टोरी वही है, यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो क्या मेरा बोलने का मतलब है कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक नाइट्रोजिनस बेसिस जो है ये तो वही है ना जो यहाँ भी कॉमन है और
यहाँ भी कॉमन है, ये देखिए यहाँ चिपका दिया मैंने, क्या दिक्कत है, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी सेट हो गया। बस करना क्या है, इस बात का ध्यान रखना है कि फोर्थ पोजीशन पे हम लोग को क्या लिख देना है, यहाँ पे बस एक मेंशन कर देंगे हम लोग, क्योंकि ये डीएनए है तो यहाँ पे थायमिन, THYMI एंड ये थायमिन, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये यूरासिल हो जाएगा, URACIL। आगे हम लोग इसके विदिन ब्रैकेट करके डाल सकते हैं, ओनली इन डीएनए, और यहाँ हम लोग लिख रहे हैं ओनली इन आरएनए। कितना मैंने इजी कर दिया, देखिए जो चीजें अभी तक आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड होगी ना, उसको मैंने बिल्कुल जीरो लेवल का बना दिया। इससे आप जितने चाहे उतने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक आज की क्लास में मैंने आपको जितना कराया है, सिर्फ इतने बेसिक में से, इंट्रोडक्शन में से हम लोग 100 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। नेम द मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटीरियल, डीएनए। विच टाइप ऑफ जेनेटिक मटीरियल इज प्रेजेंट इन रेट्रोवायरसेस, आरएनए, ठीक है। विच नाइट्रोजनस बेस इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल, तो थायमिन हो जाएगा, थायमिन को रिप्लेस किया जाता है, बाकी तीन तो यहाँ भी एज इट इज है, यहाँ भी एज इट इज है। मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया ताकि आपको याद रहे हमेशा के लिए कि नहीं ऐसा होता। डबल स्टैंडर्ड कौन है, डीएनए। सिंगल स्टैंडर्ड कौन है, आरएनए। आरएनए में शुगर कौन सा, राइबोज है। डीएनए में शुगर कौन सा, डीऑक्सीराइबोज है, ठीक है। देन और अगर हम लोग देखते हैं बेसिक कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए, अगर हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजनस बेस, राइबोज शुगर, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस तो आपको रटा हुआ, आरएनए है तो यूरासिल मैंने लिख दिया यहाँ पे। देन और आगे बढ़ते हैं, अगर बेसिक कॉम्पोनेंट ऑफ डीएनए हो गया तो नाइट्रोजनस बेस में सिर्फ एक हम लोग जगह बदलेंगे, डीएनए है तो यूरासिल की बजाय यहाँ पे थायमिन लिखेंगे, शुगर जो राइबोज था वो डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एज इट इज दोनों में होगा, ठीक है। हाँ, इस डायग्राम में अब जाके आपको ये बात समझ आ रही होगी कि ये क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ये क्या है नाइट्रोजनस बेस है, ये क्या है डीऑक्सीराइबोज शुगर है। तो इस डायग्राम को समझाने के लिए मैंने आपको इतनी सारी डिटेलिंग दे दी। कुल मिला के मॉरल ऑफ द स्टोरी ये निकला कि नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट एक्चुअली इट्स वन न्यूक्लियोटाइड। अब आया समझ में, मैंने आपको बोला था ये डायग्राम समझने का मतलब है कि अब आपको आगे किसी चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर में आगे कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये आपका वन न्यूक्लियोटाइड है, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, थर्ड न्यूक्लियोटाइड, फोर्थ न्यूक्लियोटाइड। कई बार पूछा जाता है बच्चों से हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन द गिवन रिप्रेजेंटेड स्ट्रक्चर, तो अब उसमें बच्चे को देखा जाता है वो क्या क्या काउंट कर सकते हैं। कई बार बच्चे 1, 2, 3, 4 करके सब कुछ काउंट कर लेते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं। एक्चुअली इसके पास ओनली 1, 2, 3, 4 यही चार क्या है यहाँ पे इसके पास न्यूक्लियोटाइड्स अवेलेबल है, कोई पांचवा नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं कि आप एक गायब कर दीजिए इसमें से, फोर है तो फोर ही इसके पास है। इसके पास कितने हैं, फोर न्यूक्लियोटाइड्स अवेलेबल है। ये किसका चेन है, ये डीएनए का, आरएनए का। क्या पहचान है कि डीएनए का है, क्योंकि इसके पास थायमिन प्रेजेंट है तो सिंगल ना। तो जैसे उस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कई सालों पहले, वही मैं आपको यहाँ पे रिकॉल करा रही हूँ। ये जो है ये पहचान बता देता है कि ये किसका स्ट्रैंड है, डीएनए का। अगर मैंने यहाँ पे यू लिख दिया और ये सिंगल स्टैंडर्ड बनाया, दैट मीन्स कि हाँ शुगर भी बदलना पड़ेगा, ये जो मैंने यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज बनाया है इसको वहाँ पे राइबोज मेंशन करना पड़ेगा। तो ये सब किस चीज की पहचान है कि हाँ ये जो है ये वन न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये क्या है पहला था, ये जो है दूसरा वाला, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, और ये क्या है तीसरा है। तो इस स्ट्रक्चर को समझने के बाद भी बहुत सारे जो क्वेश्चन है बच्चों के सॉल्व होते हैं। तो आज की क्लास में बहुत बेसिक से भी बेसिक जो होता है वो मैंने आपको क्लियर कराया है। मुझे नहीं लगता कहीं कोई डाउट होगा आपको, अगर है तो पूछ लीजिए।
नो मैम,